माशाल्लाह। ये क्या डाला आपने? अदरक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये कितनी देर लगती है इसको बनने में, तैयार होने में? कढ़ाई को 15 मिनट में तैयार हो जाती है। प्रॉन की कढ़ाई में उन्होंने मिर्चें और जो टमाटर और जो मसाले डाल के उन्होंने बनाया ना इसको, बहुत कमाल है यार। ये जो गोश्त है ना अंदर से, ये भी बड़ा कमाल है। और जो मसाला ऊपर लगाया हुआ ना इसके, वो भी बहुत फिट है यार। बहुत गर्म मछली में हाथ जल रहा है यार। इसको पकाएंगे कैसे? ये ग्रिल होता है, ये काटेगा तो नहीं? नहीं। वो ये तंग कर रहे हो आप इसको, हैं ये बिल्कुल ही साथ। नीचे एक बटन लगा हुआ है जिसको सब्सक्राइब बोलते हैं, वो लाल रंग का है। वो लाल रंग इसलिए है कि वो नोटिस हो आपको, और उसके बिल्कुल बराबर में इतनी बड़ी बेल बनी हुई है, उसको प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के अंदर, और किमाड़ी का सी फूड है यहाँ पे, हम वो कवर करने आए। यहाँ पे राशिद बंगाली सी फूड है, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुराना है। और ऑल दो यहाँ का सीज़न आउट हो चुका हुआ है, लेकिन वो जो राशिद है वो सारा साल चलता है। सी फूड यहाँ पे सारा साल ही चलता है, सारा साल चलता है। तो अभी हम वो कवर करेंगे इस वीडियो में। मैं अकेला नहीं हूँ, पहले अली भाई मेरे साथ है, लेकिन अब वी हैव टेलर विद अस। टेलर इज़ फ्रॉम USA। आई एम इंडीड, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? वी आर डूइंग गुड, आई एम टेलिंग यू ऑन देयर बिहाफ। या, और हमारे साथ जी ये आफ्ताब भाई हैं, बेसिकली लाहौर से हैं, और थोड़ा सा मजीद बेसिकली ये फैजपुर से हैं, और ये इनके भाई हैं जो वीडियो में नहीं आना चाह रहे। भाई किसी को नहीं छोड़ता, तो उसी भी आ जाओ भाई, थोड़ा सा विजिट करते हुए जाएंगे स्ट्रीट पे, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, और फिर राशिद के पास जाके वहाँ से हम सी फूड खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ भाई, सिंपल सी लोकेशन है, किमाड़ी सी फूड मार्केट सर्च कर लें, राशिद बंगाली सर्च कर लें। किमाड़ी पोर्ट है, किमाड़ी पोर्ट के बिल्कुल अपोजिट जो है ये सी फूड की पूरी मार्केट है। अभी अंदर चलते हैं। व्हाई आर यू इन पाकिस्तान? द बेटर क्वेश्चन इज व्हाई वुडंट आई कम टू पाकिस्तान? ओह माय गॉड, व्हाई वाज आई नॉट हियर सूनर? दिस कंट्री इज इनक्रेडिबल, देयर इज सो मच टू सी एंड डू, एंड इट्स माय फर्स्ट डे। नाइस, बट आई एम ऑलरेडी सो वेरी एक्साइटेड टू सी मोर। वी विल शो यू मोर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, ये क्या है, ये कौन सी मछली है? हाँ, दंदिया। इसमें कांटा नहीं होता? होता है कांटा, एक कंघी वाला। एक कंघी उठा के झाड़ते तो निकल जाती सारी, वही है ना ये सही। और ये झींगे हैं, ये आप इसको कच्चा बेचते हैं या पका के भी बेचते हैं? पका के बेचते हैं। किस तरह ये, किस तरह इसकी कढ़ाई बनती है, क्या करना है? बारबेक्यू बनते हैं, फ्राई बनते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? शाहजेब भाई। शाहजेब भाई, ये कितना पुराना यहाँ बैठे हैं? 30 साल आपको हो गए हैं? 30 साल हो, चाचा को हो गए। आपको कितना हो गया? मेरा तो 5 साल हो गया। अच्छा, आप टोटल 30 साल के लिए लग रहे हैं मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। 30 साल उसके हो गए, मेरा 5 साल। आपको 5 साल हो गए, सही है। तो ये कौन कौन सी मछली होती है आपके पास? ये हम लोग कुंद होते हैं, दंदिया होते हैं, पापलेट होते हैं, हीरा होते हैं, मुश्का होते हैं। अभी तो फिलहाल तो ये दंदिया सीजन आउट हो गया ना, सीजन आउट हो गया। इस समय सिर्फ दंदिया, मुश्का और झींगे पड़े हैं, यही पड़ा हुआ। सही है। तो ये कढ़ाई जो है इसकी किस तरह किलो देते हैं आप? कढ़ाई इसका 1200 रुपये, 1200, 1500। सही सही, ये कढ़ाई बन रही है, झींगे की कढ़ाई है। वाह यार, ओहो कमाल, ठीक हो गया। ये भी इधर भी झींगों की कढ़ाई बन रही भाई, माशाल्लाह। ये क्या डाला आपने? अदरक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये कितनी देर लगती है इसको बनने में, तैयार होने में कढ़ाई को? 15 मिनट में तैयार हो जाती है। यहाँ फैमिलीज भी आती हैं, बैचलर्स भी आते हैं, और यहाँ मछलियाँ भी आती हैं। नहीं, खुद नहीं आती, इनको लेके आना पड़ता। It looks very appetizing now. You know, it's raw. Raw is not appetizing. Not yet. Yeah, not yet. If you want to try raw, we can do it for you. Not today, no. जी राशिद सी फूड, इनके काफ़ी सारे सेटअप्स हैं, उनमें से एक ये सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है। ये कौन सी मछली बन रही है? ये पटन है। पटन? पिटन, 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 पिटन है। ये क्या चीज़ है? ये झींगा है। ये झींगा आप फ्राई कर रहे हैं या कढ़ाई बना रहे हैं? झींगा फ्राई कर रहे हैं। हेलो जी, ये झींगा फ्राई हो रहा है यहाँ पे। ओहो हो, वाह नाइस। अनिश भाई हैं जी यहाँ पे, हम यहाँ से गुजरे थे, कस्टमर हैं, तो ये बता रहे थे कि ये कौन सी मछली, नाम बता रहे हैं? पिटन मछली है ये, स्पेशल अपने खुद से लेके आए और यहाँ पे आके सिर्फ इनसे फ्राई करवा रहे हैं। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं इनकी ख्वाहिश पे, इसको चेक कर लेंगे। बहुत गर्म है यार, मेरा मुंह जल जाएगा। नहीं, गर्म ही मज़ा करेगी, कुछ भी नहीं है। ये देखें, गोश्त की कांटा है ही नहीं इसमें। ये कांटा नहीं है, उसको उठा के दांत से काट लूँ? हाँ, थोड़े ना दांत से, ये पूरा रोस्ट एक किस्म का ही है। मज़ा आएगा आपको गर्म गर्म खाने में। ओए होए होए होए, माइश पैदा करेगा ना जिस्म में। ओहो,
क्या जो है मसाला लगा हुआ है इसमें जो अंदर से आपने खुद लगाया मसाला? बना के लाया हूं मसाला पूरी। वाह यार, जो अंदर जो गोश्त है ना ये देखो, फुट जाओ ये देखो, ये जो गोश्त है ना अंदर से, ये भी बड़ा कमाल है। और जो मसाला ऊपर लगाया हुआ ना इसके, वो भी बहुत फिट है यार, बहुत गर्म मछली में हाथ जल रहा है। समुंदर के पानी की मछली का अपना एक अलग सा फ्लेवर होता है, एक हमक सी जिसे बोलते हैं हम, एक इसके अंदर स्मेल सी आती है, लेकिन वो बड़ी टेस्टी लग रही है यार। नाइस, बहुत ज़्यादा यार, ये हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी, हमक नहीं भाई, महक खुशबू मछली की। टेलर, गुड एज इट लुक्स एंड आई एम श्योर इट्स डिलीशियस। इट इज डिलीशियस, वेरी गुड, नाइस, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, मज़ेदार सी, और नरम नरम सी, और गरम गरम सी, और आ हा हा भाई बहुत आला ये। आप जहाँ से आप शौकीन आदमी लगते हैं मुझे, जायके की पहचान है आपको। नहीं बस जाकर हम आगे जाकर खुद खाएंगे, बहुत शुक्रिया, आगे हम खुद भी ट्राई सर, बहुत शुक्रिया। भाई ये झींगा भी चेक करें इनके कहने पे, ये झींगा यार, ये झींगा भी इन्होंने खा दी, खिला दिया, पकड़ा दिया, वो भी चेक कर लेते हैं यार। ये सॉरी यार, ये एक ही है। ओह कमाल, आप लोगों ने बहुत बुलाया मुझे, मैं कराची आ गया, बहुत शुक्रिया जी। ये लॉबस्टर है, वो मरा हुआ है, इसे उल्टा करो, इसकी टांगे हिलेंगी। ओहो वाह यार, ये आप फ्राई करके देते हैं या ग्रिल करके देते हैं, या ये ऐसे ही कच्चा ग्रिल पे देते हैं? ये किस तरह किलो है? 4000 रुपए किलो। ये जो रोड सीधी अंदर आ रही है, ये मार्केट की है, फूड स्ट्रीट जो है वो ये है। आगे आएंगे तो ये पान वाला बैठा हुआ भाई, और लेफ्ट साइड पे ये है राशिद सी फूड, इनका फैमिली हॉल है, और इसके बिल्कुल सामने ये है किमारी सी फूड पॉइंट। इनके पास भी कुछ आइटम्स हैं, वहीं से चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हैं? मुझे एक बात बताएं, प्रॉन्स में और श्रिम्प्स में क्या फ़र्क होता है? थोड़ा सा साइज का फर्क है, बड़े होते हैं श्रिम्प्स। सर साइज का होता है, श्रिम्प बड़ा होता है या प्रॉन बड़ा होता है? श्रिम्प्स बड़े होते हैं यार, मुझे कुछ और लगता है, कोई और फर्क भी होगा, लेकिन खैर चलें ठीक है। ये बड़े होते हैं श्रिम्प्स, कुछ कुछ मसला है इनकी दुम का, कुछ स्टाइल चेंज होता है, कुछ होता है इसमें। वो टेल, उसकी टेल रखते हैं उसको श्रिम्प्स कह देते हैं, टेल हटाते नहीं है उसको। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे, मैं भी सर्च करूंगा, आप भी करना। चलो, आपका नाम क्या? साद नाम है। साद नाम है माशाल्लाह, नाम तो बड़ा प्यारा आपका। हमारे पास फिश कटाकट होता है, प्राउन्स कटाकट होते हैं, प्राउन्स के रोल हमारे पास होते हैं, ठीक हो गया। प्राउन बिरयानी भी होती है? प्राउन बिरयानी भी मार्केट में मिल जाती है आपके पास? नहीं, ठीक है, मिलती है लेकिन मैं सब कुछ आपने कर दिया, बिरयानी रह गई थी, मैं ऐड कर देता हूँ, प्राउन्स बिरयानी भी इंट्रोड्यूस कराएं। ओके, ये पकवाने लगे हो क्या? करा ये हिल रहा है यार, इसको पकाएंगे कैसे? ये काटेगा तो नहीं, ये तंग कर रहे हो आप इसको, हैं ये काटना चाह रहा है, लेकिन अच्छा ये इसके, अच्छा ये आपने बांधे हुए हैं इसके, यहाँ से काटता है ये, जब आपने इसको बांधा हुआ है तभी ज़्यादा तंग हो रहा है, ठीक हो गया, सही है। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है, ठीक है? क्या बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं? झींगे की कढ़ाई या मछली की? ये मछली की कढ़ाई है और वो झींगे की कढ़ाई है, ठीक है। ओ वाह लड़के माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? जावर रहमान। ये सलाद बना रहा भाई, ये चुकंदर है मैम, माशाल्लाह बड़ी स्पीड से काट रहे हो, कब से काट रहे हो? 6 महीने। 6 महीने में सीख लिया? कहाँ के रहने वाले हो? कराची के हो? नाइस माशाल्लाह भाई, यहाँ पे आप गुलाब जामुन बेच रहे हैं साथ? गरम और नरम गुलाब जामुन किस तरह दे रहे हो? डाल के दे रहे हो?
प्लेट में डाल के दे रहे सर, 100 रुपए प्लेट है, 4 पीस होते गरम गरम। ओ वाह यार, शीरे में डिप हुए हैं। ओहो हो हो हो, कमाल, वाह, नरम और गरम। तो जी ये हमारी आगे है प्रॉन कढ़ाई और ये आगे है हमारी ग्रिल फिश। ओहो हो, वाह जी वाह, क्या फिट चीज़ लग रही है माशाल्लाह, कमाल। ठीक, नाउ इट इज़ एपेटाइजिंग। ओह या, और ये फिश है, साथ में इसके है ये चपाती हाथ वाली, और ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास है प्रॉन कढ़ाई। ये देखो, ये प्रॉन कढ़ाई है, ये बस, ये साथ में साबुत मिर्चें भी डाली हुई हैं। ठीक, आर यू ड्रूलिंग नाउ? So hungry, this is very appetizing. Pass me some of that bread. Sure. Thank you. Taylor jo hai na hamari pehli bite lenge bhai, Taylor sahab. 10 out of 10 would definitely recommend. Oh my god. Very delicious. Very nice. 10 out of 10. Sidha sidha 10 bada 10. लो जी हम ट्राई कर लेते हैं इसको। ये रोटी है यार, ये देखो कितनी पतली रोटी है माशाल्लाह, ये ऐसे कमाल। फरमाइशी चपाती, फरमाइशी चपाती इसको बोलते हैं, ये इतनी पतली है, ये देखो दस। इसको हम ट्राई करते हैं, पहले हम मछली ट्राई कर लेते हैं, फिर हम फ्राई ट्राई कर लेंगे। यार ये चेक करो, क्या कमाल चीज़ है यार ये जी। हमारे पास ये कौन सी रेड स्नैपर है? रेड स्नैपर। लो जी ये, इसको हम ऐसे ट्राई कर लेते हैं बगैर चटनी के, बगैर किसी और चीज़ के, प्लेन बाइट। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है ना, वो बारबेक्यू स्मोक का जो फ्लेवर होता है ना, कोयले का जो फ्लेवर होता है, वो इसके अंदर गया हुआ है। कट्स लगा के इसको इन्होंने ग्रिल किया, उसको बारबेक्यू किया, उसकी वजह से जो इसके ऊपर ये जो काला कलर लगा हुआ है ना, ये काला काला सारा, ये सारा जो जला हुआ है, ये स्मोकी फ्लेवर हुआ है इसका बहुत ज़्यादा। फिश इतनी कमाल की गली हुई है ना, इतनी टेंडर है, बहुत ज़्यादा कमाल टेस्ट आ रहा है इसका। इसका अपना फ्लेवर ज़्यादा है, मसालों का फ्लेवर इसके अंदर कम है। फिश का फ्लेवर है और साथ में स्मोक का फ्लेवर है, टोटली दो फ्लेवर इसके अंदर आ रहे हैं। हल्की हल्की काली मिर्च का फ्लेवर भी इसके अंदर आ रहा है। ये इसकी प्रॉन कढ़ाई की प्लेन बाइट। ये बिस्मिल्लाह। खड़ी है तो बहुत कमाल है। नहीं 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 नहीं, खाएंगे सारे डाल के, खाएंगे हम मिल के। लेकिन यार ये इधर आके अगर आप ये ट्राई करें ना, थोड़ी देर पहले मैंने उसकी वो उन्होंने फ्राई किया था ना, डीप फ्राई फिश वो, नहीं नहीं जो प्रॉन उधर खाया था हमने, वो डीप फ्राइड था शायद, फिश थी। मैंने एक प्रॉन भी दिया था बाद में, वो बहुत फ्राइड था, फ्राई था, फ्राइड प्रॉन था। यहाँ पे आकर ना प्रॉन की कढ़ाई खाने वाली भाई, ग्रिल भी था, ग्रिल अच्छा था, लेकिन जो प्रॉन की कढ़ाई में उन्होंने मिर्चें और जो टमाटर और जो मसाले डाल के उन्होंने बनाया ना उसको, बहुत कमाल है यार। लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट। मुझे ये आ गई फिश, ये इसका दी है उन्होंने चटनी, ये हरी मिर्चों की चटनी है। अब जी हरी मिर्च की चटनी है, इसको अपनी ज़िम्मेदारी भी आपने खाना है। ये देखो थोड़ा सा मसाला और साथ में ये, दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ ग्रिल्ड फिश रेड स्नैपर। मसाला तेज़ हो गया, मसाला भी तेज़ हो गया, लींबू भी तेज़ हो गया, लेकिन मज़ा बहुत कमाल आया भाई। ऐसे खाना है आपने, आपने यहाँ पे आके फिश खानी है, मसाला डालना थोड़ा सा ऊपर, लींबू डाल के चटनी लगा के खाना, बहुत आला। टेलर्स न्यू फेवरेट सी फूड इज दिस, न्यू फेवरेट सी फूड बियॉन्ड डिलीशियस, ग्रेट ग्रेट। टेलर ऑन माय रिक्वेस्ट ट्राई एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस फिश। या या, सो वी स्टार्ट फर्स्ट विद द ब्रेड। या विद द ब्रेड, व्हाट इज दिस ब्रेड कॉल्ड? इट्स कॉल्ड रोटी। Roti. Yeah. Right. Try this fish. And a little bit of fish. Yeah. Okay. Next, and correct me if I'm wrong, we're gonna dip it in the chutney. Yeah. Then a little bit of spice. A little bit of spice. And then squeeze the lemon on it. And just a pinch of lemon. Yeah, this. Now try and that. That is an optimum bite. Yeah. So I've been told. Very good, very good. ओके जी, आपसे मुलाकात करेंगे, चला ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करें। एक छोटा सा टूर था सी फूड मार्केट का, किबाड़ी के अंदर जो है, ये विज़िट ना करना, कराची के साथ जाती होती, और अगर मैं यहाँ ना आता तो मेरे साथ भी जाती होती। शुक्रिया आफ्ताब भाई का, हम इनके साथ, हमने इनको ज्वाइन किया। थैंक यू टेलर।
for joining us and Usama bhai hamare sath aane ke liye. Sir ji mainu ek gal dasso, tusi tajrubegar aadmi ho, experience aapka zyada hai. Main kis tarah kahun ki ye subscribe kar le to ye subscribe kar lenge? Ye aise subscribe karna chahiye ki dekhne wale ko ye yaad rakhni chahiye baat ki bilkul hi sath niche ek button laga hua hai jisko subscribe bolte hain, wo lal rang ka hai. वो लाल रंग के इसलिए है कि वो नोटिस हो आपको, और उसके बिल्कुल बराबर में इतनी बड़ी बेल बनी हुई है, उसको प्रेस करें और वो बजेगी जब हमारे भाई अपलोड करेंगे वीडियो, और ये आपको टाइम भी देंगे, आपको मिलेंगे भी, और इनको इंस्टाग्राम पे भी लाजमी जो है वो फॉलो करें. दिस इज़ माय इंस्टाग्राम. सो टेलर इज गोइंग टू ट्राई अ सिंपल फिश एंड देन ही इज गोइंग टू कंपेयर इट विद एन ऑप्टिमम बाइट. आई बी ऑनेस्ट, या Not so optimum. This one? It's okay, but it's not an optimum bite. Oh yeah, the optimum one is better. Yeah. ये जी ये गुलाब जामुन है. ये बिल्कुल पीछे इसके स्टॉल है. वो स्टॉल जहाँ हम बैठे हैं, राशिद सी फूड के फैमिली हॉल के आगे स्टॉल लगा हुआ है. इसका नाम है नरम गरम स्वीट्स. जब मैं उधर गया था तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा नाम क्या, उन्होंने कहा नरम गरम स्वीट्स का नाम है. ये गुलाब जामुन है, नरम भी है, गर्म भी है, मीठा भी है. ट्राई कर रहे हैं हम यहाँ से इसको. ये देखो सिंपल, बिस्मिल्लाह. ओह माय गॉड, ओह यार, ये जो नाम है ना इसका, नरम गरम स्वीट्स, परफेक्ट. ये नरम भी है, गरम भी, और मीठा भी है. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए.